नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को जो नज़दीक से जानते हैं ना, उन्हें मालूम है कि वो कैसे नाटक नौटंकी के ज़रिए विक्टिम कार्ड खेलने का हुनर बखूबी जानती हैं। कभी चुनाव से ठीक पहले कैसे उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और पूरे चुनाव के दौरान प्लास्टर चढ़ा करके व्हील चेयर पर सभाएं करती हैं, और कभी उनके माथे पे चोट लगती है और खून को साफ किए बिना ही बहते हुए खून की फोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। अब रिसेंटली एक दो और फोटो वायरल कराए गए हैं, क्यों? सहानुभूति पाने के लिए। और आपको मसला पता ही है, आरजीकर कॉलेज की डॉक्टर बेटी, जो कुछ उसके साथ हुआ। एक और बात, कुछ ही दिनों में ममता ने कैसे अपना रूप बदल लिया या बदलने का नाटक कर रही है, इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा वही आग्रह निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सभी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो डॉक्टर बेटी के साथ हुई रूह कपाने वाली घटना के बाद अब डॉक्टर स्टूडेंट जो हैं भड़के हुए हैं। लिटरली किसी बात पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी एक अलग अंदाज में दिखाई दे रही हैं, जो अंदाज कभी आपने हमने देखा नहीं। मतलब वो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती है। और लास्ट डे वहाँ के गवर्नर बोस बाबू ने भी उन्हें लेडी मैकबेथ का नाम दिया है। वो बड़ी ज़िद्दी थी, अपनी बात मनवा के रहती थी। एंड ममता बनर्जी, व्हाट आई कैन से, इज लाइक दैट ओनली। इसीलिए तो उन्होंने इनका नाम लेडी मैकबेथ रखा है। और आजकल ममता बनर्जी बेहद नरम और भावुक अपना स्टाइल दिखा रही हैं, हाथ जोड़े हुए दिखती हैं। उनका ये अंदाज, उनका ये चेहरा मुरझाया हुआ, जैसे अभी वो रोने लग जाएंगी, और उनका ये बॉडी लैंग्वेज कभी पिछले 13 सालों में दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। বাংলা মে বল রই হ্যাঁ মে আপকো থোড়া সমঝানে কি কোশিশ করি আমি তো ধর্ণা করেছিলাম সিঙ্গুরে আসেনি কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি ওই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট কে রই হ্যাঁ কে মে পিছলে 15 দিন সে কোই কাম নেই কর পা রই হুম অর পহলে দিন সে হি মে ইয়ে কোশিশ কর রই হুম আগে শুনতে হ্যায় কি ক্যা কে রই হ্যায় পরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। কে রে কি মুঝে মাফ কর দিজিয়ে অর মে আপনি এক বাত কেনা চা রহি হুম। আমাদের নামে অনেক, আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে। हाथ जोड़ के कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों के सामने मैं बहुत सारी गलतियां कर चुकी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत कुछ कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आगे सुनते हैं। যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে, মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে बोल रही है कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, उन्हें लोगों का प्यार चाहिए। আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদের যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। তো
आपने देखा कि वो कह रही हैं कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, उन्हें लोगों का प्यार चाहिए, उन्हें सीएम का प्रोफाइल नहीं चाहिए, उन्हें लोगों की भावनाएं चाहिए, ये वो कह रही हैं। अच्छा, आपने कभी उनका ऐसा रूप देखा? मतलब हाथ जोड़ के ये बॉडी लैंग्वेज, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा पिछले 13 साल में। इस तरीके से वो मुश्किलों में घिरी हुई हैं कि अब उनके सामने ये सब नाटक नौटंकी करना उनकी मजबूरी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने देखा उनकी टोन कितनी डाउन थी। और एक बात पक्की है, ममता बनर्जी पर आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के बाद चल रहे आंदोलन, प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन, जो कुछ भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ऐसा प्रेशर और ऐसा रिजेक्शन पिछले 13 सालों में ममता दीदी ने कभी महसूस नहीं किया। पहली बार वो बुरी तरह से फंस गई हैं और बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश रही हैं। ममता बनर्जी का आखिरी हथियार क्या होता है? विक्टिम कार्ड खेलना। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो लोग उनकी राजनीति को समझते हैं, उनको जो शुरू से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने इस हथियार को, इस टूल को यूज़ करती हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लेती है। शी इज सच ए स्मार्ट लेडी। अब देखिए, जो वीडियो में कह रही हैं, मैंने आप जो भी आपको दिखाया, ये जो उनका इस्तीफे का ड्रामा है, ये उनका केवल और केवल एक राजनीतिक पैतरा है, पॉलिटिकल उनका स्टंट है और कुछ नहीं है। तो सवाल ये उठता है ऐसे में कि जब उनको गवर्नर ने ये कहा था कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, तो ममता दीदी ने क्यों नहीं हटाया? और पुलिस कमिश्नर को क्यों बचा रही हैं, अपनी बलि क्यों दे रही हैं? हालांकि नाटक है उनका, अपना रिजाइन की जो बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अपनी बलि देने को क्यों तैयार हो गई है, क्यों ऐसा है? जबकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने गवर्नर की वीडियो उसमें शेयर की थी आपके साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, मिस्टर कमिश्नर, आप खून की नदियां ना बहाएं। तो आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। और वो जो कमिश्नर है, उनके पास ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं? आप जानते हैं कि वहाँ कितने सारे घोटाले हैं, वहाँ पर ईडी की पिटाई होती है, वहाँ पर एनआईए की टीम जाती है, उसके साथ पिटाई होती है, फिर शेख शाहजहां किस तरीके से कुछ छिपाया गया, फिर उसको बाहर निकाला गया 51 दिन के बाद, देन फिर वो आता है बड़ी शान से, और ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई गुनाह नहीं किया है। ये तो जो पुलिस पीछे पीछे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो गुनहगार है, आगे आगे तो राजा चल रहा है। आपने वो देखा होगा ना, उसका वो क्या बोलते हैं कि रुतबा, वो क्यों था? और ये सब चीज़ें कमिश्नर के नोटिस में, कमिश्नर को ना हटाना, ये भी ममता की कहना चाहिए कि मजबूरी है, क्योंकि कमिश्नर के बहुत 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 सारे राज हैं। अब अगर गवर्नर ये कह रहा है कि आप हटाइए इनको, हालांकि देखिए कमिश्नर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कमिश्नर को भी ऐसे मामलों में दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए। फिर भी अगर उन्होंने ये कहा है, तो ममता दीदी को तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए था, लेकिन उनको क्यों नहीं हटाया गया, क्यों ये टाला गया, सवाल ये है। अब समझने की बात यह है कि ममता बनर्जी भी राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी हैं, और वो जानती है कि जिस समय बाजी हारने वाली होती है, उसको कैसे पलट करके जीत लिया जाता है। अब आंदोलनकारी डॉक्टरों से खुद वार्ता के लिए तैयार हो जाना, मतलब पहली बात तो ये है कि यही बहुत सरप्राइजिंग है कि ममता दीदी खुद उनसे कह रही हैं कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, एंड फिर वो 2 घंटे तक इंतज़ार करती हैं, फाइनली ये भी कह देती कि रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। और ये बात ममता दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि वो बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगती हैं और कहना चाहती है कि पीड़िता को न्याय मिले, इसीलिए वो
इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ये वो मीडिया के साथ कह रही है, मीडिया को कह रही है। और इसके बाद उन्होंने क्या चालाकी करी, हालांकि देखिए स्टूडेंट्स का जो फंडा है बिल्कुल क्लियर है, उन्हें बातचीत करनी है तो स्ट्रीमिंग में करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग में वो बातचीत करना चाहते हैं, ममता दीदी ये नहीं चाहती है, इसीलिए ये सारा ड्रामा किया। और उन्होंने एक वीडियो भी लीक किया कॉन्फ्रेंस हॉल का, एंड उन्होंने एक तस्वीर भी जो है लीक की, यही ममता दीदी की चालाकी है। देखिए अब इसमें पूरा हॉल खाली पड़ा है, दो या तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरा हॉल खाली है, दो लोग मुझे दिख रहे हैं, एंड इधर ममता दीदी हैं, एंड दिस साइड वन लेडी इज ऑल्सो सिटिंग देयर, एंड पूरा हॉल खाली है। अब ये तस्वीर वायरल करने की सोशल मीडिया पे उन्हें क्या ज़रूरत थी, वो ये दिखाना चाह रही हैं कि जो आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं वो ज़िद्दी हैं, वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक उन्होंने आज ट्वीट भी किया है, ये ट्वीट में वो कह रही हैं कि सैड एंड अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव लॉस्ट 29 प्रेशियस लाइफ ड्यू टू डिस्टर्बशन इन हेल्थ सर्विसेज बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्रॉन वर्क बाय जूनियर डॉक्टर्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड टू द ब्रेवर्ड फैमिलीज स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस ए टोकन फाइनेंशियल रिलीफ ऑफ 2 लाख फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ ईच ये जो लोग जिनकी डेथ हुई है हॉस्पिटल में इस दौरान उनके परिवारजनों को वो 2-2 लाख देने के लिए तैयार है, ये उन्होंने घोषणा की है और ये कुछ ही समय पहले का उनका ट्वीट है। तो ये सब नाटक नौटंकी ममता दीदी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्हें कैसे कब क्या करना होता है, कब उन्हें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे डालनी है ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर जिद कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स का देखिए इस तस्वीर में लिटरली लग रहा है कि शी इज वेटिंग, और ये भी कह रही है कि 2 घंटे तक वो उनका इंतजार करती रही, और साथ में ये ट्वीट कर दिया कि 29 लोगों की जान चली गई है इन डॉक्टर्स के हड़ताल के कारण। अब डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो ये तो होगा ही जो होना नहीं चाहिए, लेकिन उन डॉक्टर्स का गुस्सा अपनी जगह सही है। कलकत्ता कांड जो हुआ है उसके बाद से हड़ताल पर डॉक्टर जो हैं बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता का प्यार और सहानुभूति लेने का खेल खेल रही है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें वो यही कह रही है, और ये भी बता रही है कि डॉक्टरों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। ये तस्वीर उन्होंने इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर की है, और माहौल इस तरीके का उन्होंने क्रिएट कर लिया है कि वो 2 घंटे तक इंतज़ार करती रही, लेकिन डॉक्टर तो आए ही नहीं और मीटिंग हॉल खाली पड़ा रहा, कुर्सियाँ इंतज़ार करती रही। इसका जो विजुअल मैंने आपको दिखाया है तो ये उनकी चालाकी है ना। अब जो देखिए डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ममता दीदी उल्टा टांगने की योजना बना रही है उन डॉक्टर्स को, एंड ऑफ द डे यही होगा। उन्होंने मौतें गिनवा दी हैं 29, उनके परिवारों को कुछ रिलीफ दिया है फाइनेंशियली वो गिनवा दिया है, ये फोटो दिखा दिए कि वो वेट कर रहे थे लेकिन आए ही नहीं। अब उन्होंने अपनी रिजाइन की भी बात कर ली है, रिजाइन वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए आप। किंतु আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি, ওই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট, এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে অনেক আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, আমাদের সরকারকে মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। मैं आपसे ये चाहूँगी कि आपने ऐसे कभी ममता दीदी को पिछले 10-11 साल में कभी भी ऐसे हाथ जोड़े देखा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सुनिए क्या कह रही है। অপপ্রচার হয়েছে যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পাচ্ছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না। আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, মুখ্যমন্ত্রী কা পদ ইনে নেই চাইয়ে, ইনে লোগো কা প্যার চাইয়ে। লেকিন কেসা প্যার চাইয়ে, কেসা নাটক কর রহি হ্যায়, ইয়ে দেখ কর ভি হেরানি হোতি কি কোই মহিলা ইতনি শার্প মাইন্ডেড ভি হো সকতি হ্যায়। और देखिए डॉक्टरों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है, बता दिया है कि वो जो है बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, इन सब के अलावा ये जो इनका ममता दीदी का जो रवैया है डॉक्टर्स के प्रति, जिस तरीके से वो उन्हें डाउन कर रही हैं, जिस तरीके से वो उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, इससे पहले जो कुछ भी हो चुका है, लाइक डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ उसके सबूत मिटा दिए, और जो प्रिंसिपल इस समय जेल में है डॉक्टर संदीप घोष, उनको लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की, ये सब जो नज़दीकी हैं ममता दीदी की, वो सब जानते हैं कि इसकी असलियत क्या है और क्यों बचा रही थी वो। इन सब को देखते हुए पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरे सांसद सुखेंदु शेखर राय बागी हो चुके हैं, एंड यू नो अभिषेक बनर्जी से भी मनमुटाव चल ही रहा है। ममता पर पार्टी के भीतर से जो प्रेशर बन रहा है ना, वो भी बहुत ममता को हिला रहा है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था ना कि ऐसी सिचुएशन पिछले 11 साल में ममता बनर्जी के सामने कभी नहीं आई। एक तो पार्टी के अंदर से प्रेशर, केंद्र का प्रेशर, अपना संगठन का प्रेशर, आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इस्तीफे का ड्रामा भी कर चुकी है, इमोशनल कार्ड भी खेल लिया है। अब ये सब ममता जैसी खाटी राजनेता ही कर सकती है, लेकिन ये टूल जो है काम नहीं आए हैं। अभी डॉक्टर कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने दो तीन चीज़ें महसूस की, ममता दीदी कितनी बड़ी राजनीति खेल रही हैं, कैसी नौटंकी कर रही हैं, इमोशनल प्रेशर बना रही हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी के अंदर से प्रेशर आ रहा है ना, उसको वो रोक नहीं पाई और आगे भी वो रोक नहीं पाएंगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, या कहिए कि ममता दीदी ने उनको चुप करा के रखा हुआ, लेकिन ऐसी चुप्पी जो है ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। आने वाले दिन ममता दीदी के लिए बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। एंड आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। वीकेंड है, एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।